हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्लचर की मदद से साड़ी के लिए बहुत ही सुंदर सा बन हेयर स्टाइल। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आपके बाल छोटे हैं, पतले हैं, हल्के हैं, ऑल हेयर टाइप की अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल मैं बताती हूँ और फेस ट्रिमिंग के अकॉर्डिंग भी बताते रहती हूँ। तो चलिए आपको मेरे बालों का लेंथ और वॉल्यूम दोनों दिख रहा होगा। तो अगर आपके बाल भी इस तरीके से हैं तो आप ये वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो, और लंबे हैं तो भी बहुत प्यारा लगेगा, छोटे बालों में भी इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने सारे बालों को अच्छे से कॉम किया है। कॉम करने के बाद से इस तरीके से रबर बैंड लगा लिया, ऊपर से थोड़ा सा बालों को खींचा है ताकि वॉल्यूम ऐड हो जाए क्राउन एरिया पर। अब इस तरीके से रबर बैंड के ऊपर साइड से फिंगर को इंसर्ट करेंगे और अच्छे से सारे बालों को ट्विस्ट करके फिंगर के अंदर इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड में खींच लेंगे। इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक पतला रबर बैंड लगा के हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर सकते हो फ्रेंच रोल की तरह पे। अगर आपके पास मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है आपको फ्रेंच रोल बनाने में तो आप क्लचर यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अगर बहुत छोटे बाल है तो इस तरीके से डायरेक्ट करके यूपिन की मदद से इसको सिक्योर कर सकते हो। बट अगर आपके बाल ठीक ठाक हैं, जैसे मीडियम लेंथ है जैसे कि मेरा है, तो आप एक क्लचर ले लीजिए। तो यहाँ क्लचर की मदद ले लिया है, इस तरीके से बड़ा वाला क्लचर को जस्ट रबर बैंड के ऊपर इस तरीके से लगा दिया एंड दूसरी साइड से सारे बालों को इस साइड में लेके जाएंगे इस तरीके से। अगर पतला वाला रबर बैंड यहाँ पे मुझे मिला नहीं, अगर आप पतला वाला रबर बैंड लगाते हो तो और भी प्यारा हेयर स्टाइल बनेगा। तो मैंने इस तरीके से सारे बालों को एक साथ ट्विस्ट किया है, फिर अंदर की तरफ इसको सारे एंड पार्ट को हाइड करके क्लचर के अंदर इस तरीके से क्लचर को हल्का सा खोल के और एंड पार्ट को दबा दिया है ताकि यूपिन लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से काफ़ी प्यारा सा बन आपका बन के रेडी हो जाएगा। थोड़े थोड़े बालों को इस तरीके से ऐड करेंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि ये हेयर स्टाइल जो है वो लंबे टाइम तक ऐसे ही बना रहे और बिल्कुल भी बिगड़े नहीं। तो इस तरीके से देखिए कितना प्यारा सा बना यहाँ पे बन के रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हो पार्टी वेयर लुक के लिए। तो इस तरीके से सारे बालों को एक साथ होल्ड, एक हाथ से होल्ड करेंगे, दूसरे हाथ से यू पिन लगाते जाएंगे और जो इसका लुक फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके का आएगा। क्योंकि पूरा हेयर स्टाइल जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके का फाइनल लुक बना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है एक क्लचर की मदद से इतना प्यारा सा हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। साइड से आप लेयर्स निकाल सकते हो और भी प्यारा लगेगा और साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। तो आपके बाल भी अगर पतले हल्के छोटे हैं तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो हेयर स्टाइल। तो जो फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके का था। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जूम किया है वीडियो को ताकि अच्छे से आपको हेयर स्टाइल का लुक दिखाई दे। दूसरे चैनल पे मेरी डेली ब्लॉग वीडियो जाते रहती हैं तो वहाँ पे भी जाके मुझे ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर